Press the bell icon and never miss an update from Tele Masala. और टेली मसाला कुछ खास ना करे ये तो हो ही नहीं सकता है। तो आज खास मेरे लिए कोई कुछ करने वाला, जानना चाहते हो किसके साथ हूँ मैं यहाँ पर? तो चलिए, यहाँ पर सारा खान मेरे साथ यहाँ पर है। हेलो, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। सबसे पहले तो बहुत खूबसूरत लग रही है सारा आप ईद की शॉपिंग पर मेरे साथ थी और हम काल की गए थे, वहाँ से हमने ये ड्रेस पसंद किया था एंड फाइनली नाउ यू कैन सी मी वेयरिंग इट। मतलब लाइक फिटिंग वगैरह सब एकदम फिट हो चुकी है। यस, एब्सोल्युटली फाइन। पहले सुबह से कितनी तैयारी चल रही है यार? ऑनेस्टली कल रात से ही चल रही है, इतना स्ट्रेस था मी एंड माय सिस्टर्स बिकॉज मॉम दैट आर इन भोपाल, दे वर शिफ्टिंग द हाउस सो दे कुडंट कम हियर, नीदर आई कुड गो बिकॉज आई हैड सम प्रायर कमिटमेंट्स ओवर हियर सो आई कुडंट ट्रैवल। सो दिस इज द रीजन वी ऑल वर हियर अलोन नाउ। आई वॉज द एल्डर वन सो आई हैड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, व्हाट टू डू, सब ठीक से हो गया नहीं, मेहमान आएंगे कैसा करेंगे क्या करेंगे, देन फाइनली at the end everything is done now and now we are ready to welcome the guests. अच्छा, मतलब क्या क्या बनाया है वैसे आज? You can see behind ये दही बड़े, ये आयरन ने बनाए हैं, छोले भी आयरन ने बनाए हैं, this is शीर खुरमा जो मैंने बनाया है और kebabs and biryani is already in the process. So yes, that's happening. वैसे थोड़ा बहुत lighting वगैरह भी दिख रहा होता है तैयारी। You can see how excited we were for Eid. Actually, बहुत excited थे, तो पूरी lights उस तरह से करके रखी हैं। और वैसे भी अगर आप generally भी हमारे घर में आएंगे, so you'll see all decked up. You'll see okay, some parties happening. So I think it's always good to be somewhere where it's always happening. So that's it. सर, अच्छा मैं ईदी की बात करूँ तो क्या मिला है आपको स्पेशल कुछ? फिलहाल तो मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, बहनों में तो मुझे ही ईदी देनी पड़ती है, तो अभी तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि अभी क्या होगा, लेट्स सी, आई एम वेटिंग फॉर माय ईदी। अच्छा वैसे आपने क्या दिया है? मैंने आल शो यू, हाँ, आयरा यमन, ओके यू कैन सी रुस्लान इज आल्सो हियर, हमारे जाना ना दिल से दूर के अंकित, या सो हमारे जाना ना दिल से दूर के अंकित, जिनके साथ मेरा ज़्यादा शूट कभी नहीं हुआ लेकिन हम एकदम से इतने ज़्यादा कनेक्ट हो गए एंड ही इज़ लाइक माय लिटिल ब्रदर नाउ एंड इट्स सो गुड दैट वी आर सेलिब्रेटिंग इट टुगेदर। तो बताएं आपको कैसा लग रहा है घर पे ईद मनाते हुए पहली बार अवे फ्रॉम फैमिली? या सो ईद मनाते बहुत मज़ा आ रहा है, हम लोग ने कल रात बहुत सारे खाने की प्रिपरेशन की, एक्चुअली मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा था, कबाब बनाए, देन छोले और शीर खुरमा आया। And that's yummy, seriously. यार सारा काफी खूबसूरत लग रही है, कुछ कहना चाहेंगे यार? Imagine dude. She's like shining like star, you know. Yeah. Shining bright, like shining star. That's it you wanted to say? You're looking beautiful. Thank you so much. I don't need to say that. Okay. Even my eyes, like you know, देख के वो हो रही है. But still, it's always good to hear your तारीफें. I thought तुम some guests आए. Yeah, so I will introduce you to my sisters. Ayra, Yaman, can you please come out? I can't take you inside because obviously they're... So that's Ayra. And she's looking damn pretty. And that's Yaman. And ye taiyar honge, main aise mat khade hue ekdam aise. So they were asking ki Eid mein kya diya hai. To batao kya diya hai. I got this beautiful dress from her. यमन को तो ये ना खुश है, यमन बहुत अपने ड्रेस से शायद ये हमेशा जब भी शॉपिंग कराने लेके जाओ शी ऑलवेज इट्स अ मेस एंड इट्स सच अ बिग स्ट्रेस, क्योंकि कुछ पसंद ही नहीं आ रहा होता है यार, एंड देन शी स्टार्ट्स क्राइंग एंड शी वांट्स अ ड्रेस जो कि 18 19 20 ईयर गर्ल का जो होता है 30 ओह शी इज 13 शी वांट्स टू लुक 30 एंड टुडे शी गॉट हर जूड़ा आल्सो डन लाइक दैट। मैंने नहीं बोला था, आई थिंक शी विल क्राई ना, ओह नो 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 नो, शी मेक्स हर क्राई लाइक दिस। ओके एनीवे, सो फ्रॉम दीदी के साथ कितना खाना बनाने में साथ दिया गया? सब कुछ मोस्टली आयरा ने किया है, दही बड़े छोले एंड अभी बिरयानी बना रही है, आई मेड कबाब्स एंड शीर खुरमा, दैट्स इट, which is very yummy, you guys must try. Yeah, everyone must try and Ayra will send it across otherwise. वैसे अब आगे क्या कुछ करना है? यार अभी गेस्ट्स आने वाले हैं सब, तो डेफिनेटली उन लोगों को अटेंड करना है और मज़े करने हैं और इन्जॉय करना है। ओके, तो फाइनली फैंस के लिए क्या मैसेज यहाँ पर देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहूँगी, ईद मुबारक फ्रॉम ऑल ऑफ अस एंड हैव अ ब्लेस्ड ईद, हैप्पी ईद एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू
आप लोग कोई मैसेज देना चाहेंगे? ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक।